हेलो फ्रेंड, मैं विक्रांत पंडित आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर, जहाँ पर हम लोग डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। जय हिंद। बाकी बच्चे नहीं आए अभी? सुष्मिता तिवारी, गुड इवनिंग। दिस इज माय फर्स्ट क्लास, मे आई नो द टॉपिक? बच्चे, टॉपिक में हम लोग बात करेंगे डिफेंस अपडेट, जो आपके सीडीएस एग्जामिनेशंस में आते हैं और सीपीएफ एग्जामिनेशंस में आते हैं। कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर। तो डिफेंस अपडेट की सीरीज हमारी चल रही है सुष्मिता, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द टीम मेंबर्स जो आपको डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? सीडीएस एफकेट और इंडिया एग्जाम से क्लियर कर रखे हैं। 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका। 1,500 प्लस बच्चे तक सिलेक्शन ले चुके हैं। अन अकेडमी प्लस पर यदि आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड वीकेपी लाइव लगा सकते हैं और इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ, 10th of June से मैं आपके लिए फुल फ्लेज कोर्स लॉन्च कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली वो कोर्स आपका कल या फिर परसों 10th को आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? या तो 9th June को आपको शो होना शुरू हो जाएगा या फिर 10th June को आपको शो होना शुरू हो जाएगा कोर्स, ठीक है? जहां पर हम लोग पूरी जीएस पढ़ेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटी, साथ साथ में डिफेंस अपडेट्स, करंट अफेयर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब कुछ होगा आपके लिए। कंप्लीट जीएस जिस बेसिस पर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट भी इसी के अंदर होगा। तो 10 जून से हो रहा है, लास्ट मौका है। अभी आप देख रहे हो 6 महीने के अंदर 7 वैकेंसीज आने वाली हैं लेटेस्ट में। तो इन 7 वैकेंसीज को यदि आप ग्रैब करना चाहते हैं, रियलिटी में अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। ये चैनल है हमारे सारे डिफेंस अपडेट के, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आंसर, आई वांट टू थैंक यू, योर एनसाइट एंड मेडिवलिस्टिक क्लासेस आर ऑसम्स, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बच्चे, सुष्मिता तिवारी, अगर आप प्लीज सुष्मिता तिवारी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अब YouTube पर कोई थ्योरी वगैरह नहीं होगी। अब जो थ्योरी वगैरह होगी बाकी सारी की सारी प्लस पर होगी, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10th of June से फुल फ्लेज कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है? और आप सुष्मिता तिवारी प्लीज एक बार नीचे लिंक में, एक बार प्लीज लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक आपको लर्नर्स फीडबैक फॉर्म होगा, लर्नर्स फीडबैक फॉर्म होगा, प्लीज सुष्मिता तिवारी अगर आप उसको फिल कर दे तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू वॉन्ट टू फ्रॉम मी, ठीक है? आप फिर से कितना चाहते हैं, मतलब क्या क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे को लर्नर्स फीडबैक फॉर्म से सब कुछ पता चल जाएगा। प्लीज आप एक बार लर्नर्स फीडबैक फॉर्म डिस्क्रिप्शन से उसको जरूर फिल कर दीजिए, प्लीज सुष्मिता तिवारी, ठीक है? उसके बाद ये आप फीस देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस की, 24 12 मंथ और 24 मंथ की फीस है। फीस इंक्रीज हो गई थोड़ी, ठीक है? वैकेंसी जैसे इंक्रीज हो रही है तो बढ़ रही है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ठीक है? तो 8,800 और 12,800 है। तो आप जैसे ही मेरा कोड वीकेपी लाइव यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस 7,920 और 11,520 हो जाएगी। ये फीस होती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस पर ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने पर। 10th of June से फुल फ्लेज कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कंप्लीट जीएस में वहां पर पढ़ाऊंगा, सीडीएस और सीपीएफ को देखते हुए। और सीडीएस और सीपीएफ एग्जामिनेशन में जीएस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जीएस की कट ऑफ अगर आपकी क्लियर हो गई तो आप समझो आपका बेड़ा पार हो गया। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अगले 6 महीने में आपको मालूम है 7 एग्जाम्स आने वाले हैं डिफेंस के, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है? ये हमारा डिफेंस का जो चल रहा है यूट्यूब पर जो कोर्स चल रहे हैं, आप देख सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, रात के 10 बजे तक क्लासेस वगैरह चलती हैं। यहाँ पर मैं विक्रांत पंडित आपके लिए कंप्लीट जीएस लेकर आता हूँ। टाइमिंग रहती है 5 PM, मैं आपके डेली यहाँ पर आता हूँ, कंप्लीट जीएस आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? और मैं आज से स्टार्ट करने वाला था स्टैटिक जीके, तो ड्यू टू सम रीजंस मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन कल ऑब्वियसली मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा आपकी स्टैटिक जीके, ठीक है? कल से मैं आपकी गारंटेड 100% स्टैटिक जीके स्टार्ट कर दूंगा और स्टैटिक जीके बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। कल पहले सबसे पहले यूएनओ वाला पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? यूएनओ में कम से कम मुझे 4 क्लास लगेंगे, 4 क्लास में आपको यूएनओ का पूरा समझा दूंगा। यूएनओ एंड इट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, तो मैं कल आपको यूएनओ का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर और यूएनओ के संबंधित ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो समझा दूंगा। लगभग मुझे 4 क्लास लगेंगे इसको समझाने के लिए अच्छे से।
चलिए ये बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हैं YouTube के बीच में और साथ ही साथ अनअकैडमिक प्लस के बीच में आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हो यहाँ से आप YouTube से पढ़कर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन सिलेक्शंस की गारंटी नहीं है। हाँ यहाँ से आपको डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं है, आपको अनअकैडमिक प्लस पर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस सेशन और आपको कंसेप्चुअल थ्योरी सेशन दोनों है। यहाँ पर कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं होती, यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट सीरीज मिलती है। यहाँ पर कोई भी असेसमेंट नहीं होगा, रैंक वगैरह आपको शो नहीं होगी, लेकिन अगर आप यूट्यूब आप अनअकैडमिक प्लस पर जाते तो आपको रैंक वगैरह शो होती है। यहाँ पर इंडक्टिव पोल्स वगैरह नहीं होते, यहाँ पर इंडक्टिव पोल्स होते हैं। तो आप यूट्यूब से पढ़कर मार्क्स तो इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन सिलेक्शन लिस्ट पे, क्योंकि आपको ये नहीं पता था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आप गड़बड़ यहीं पर कर देते हैं। तो गाइडेंस एक नीड बहुत जरूरी होती है जिसके लिए आपको प्लस ज्वाइन करना चाहिए। मैं आपको सबसे बेस्ट सलाह ये देता हूं। जय हिंद जय हिंद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और साथ साथ कॉलिंग नंबर है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा कल से, आपको शो होना शुरू हो जाएगा, फिर परसों शो होना शुरू हो जाएगा, कल या परसों शो होना शुरू हो जाएगा कोर्स, आप उसमें एनरोल कर लेना। जितने बच्चे प्लस को कोर्स ले चुके हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, विक्रांत एस मुंडी डिफेंस कोर्स करके। यहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा, कल मैंने पीडीएफ नहीं डाली थी, कल की और मैं आज की पीडीएफ एक साथ डाल दूंगा। ठीक है, कल के अपडेट की पीडीएफ और आज के अपडेट की पीडीएफ मैं दोनों एक साथ डाल दूंगा, आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट बताइए क्या सभी लोग रेडी हैं? आज के डिफेंस अपडेट के लिए रेडी है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे कल, है ना? कल हमारे 80 डिफेंस अपडेट यहां तक हो चुके थे, 80 डिफेंस अपडेट हम लोग यहां तक कर चुके थे, 80 डिफेंस अपडेट। हाँ, पीएम मोदी डीआरडीओ लैब, बिल्कुल है ना, 80 डिफेंस अपडेट हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे कल, है ना बच्चे? विशाखा जी का नमस्कार, यहां तक पढ़ चुके थे ना? ठीक है, अच्छा चलिए अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। 81st डिफेंस अपडेट आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिए क्या कहता है। अभी इंडिया और पाकिस्तान ने अपने आप दोनों में कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एक्सचेंज किए हैं। समझते हो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान सुना, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एक्सचेंज का मतलब क्या है? इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है अराउंड 139 to 140 न्यूक्लियर वेपन्स है, सिमिलर वे में पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। अब दोनों देशों को खतरा बना रहता है जब दोनों के बीच में कशमश रहती है कि तुम मेरे पे अटैक करते हो, मैं तुम्हारे पे अटैक करता हूँ ड्यू टू टेररिज्म। अब दोनों देशों को खतरा रहता है, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को ज्यादा खतरा रहता है कि कहीं इंडिया न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, इंडिया को भी रहता है कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, क्योंकि उसको कुछ भरोसा नहीं है। तो दोनों देशों ने क्या किया है, अपने इंस्टॉलेशन की बताया है कि हमारे कहाँ किस किस जगह पर न्यूक्लियर वेपन्स लगे हैं, कहाँ कहाँ पर हमारी न्यूक्लियर यूनिट की इंस्टॉलेशन है, उसकी जानकारी दी है। और 29 इयर्स का नॉर्मली आज से अब तक मतलब 1 जनवरी 2020 से 29 ईयर का इन्होंने एग्रीमेंट बनाया कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, मतलब न्यूक्लियर प्रोहिबिशन अटैक इंस्टॉलेशन कर दिया है कि हम एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक वगैरह नहीं करेंगे। ये आप इतना फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस ट्रीटी की, तो सबसे पहले ये ट्रीटी 1992 में साइन की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोहिबिशन अटैक वाली जो इंस्टॉलेशन वाली थी, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थी? बनर्जी भुट्टो थे, और इंडिया की तरफ से कौन थे? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनके बीच में नॉर्मली एग्रीमेंट साइन होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हुआ क्या, किस लिए उस टाइम पर एग्रीमेंट साइन किया था? उस टाइम पर इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था ब्रास स्टैक करके। ब्रास स्टैक एक ऑपरेशन था जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी को फियर हो गया था कहीं ना कहीं पर इंडियन आर्मी हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगी, और ये अब तक का वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे बिगेस्ट किसी आर्मी के खिलाफ किसी आर्मी के द्वारा किया गया ऑपरेशन था। यह राजस्थान के अंदर किया गया था जिसके अंदर पाकिस्तान के नेवल बेसिस के ऊपर जानकारी रखने से संबंधित किया गया था कि किस प्रकार से नेवल बेसिस के ऊपर जानकारी को रखा जा सके। तो ये सारा था आपका न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉलेशन का, जो आपको ध्यान रखना। क्लियर, तो मैं आपको बता रहा हूं ये 29 इयर्स का इसमें एग्रीमेंट बनाया गया है। इसमें हुआ क्या,
कुछ इंस्टॉलेशन यूनिट का एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ आपस में प्रोहिबिशन करने से कि तुम हमें अपनी जानकारी बताओगे, हम तुम्हें अपनी जानकारी बताएंगे कहाँ कहाँ पर है, नॉर्मल जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे पहले 1998 के अंदर ये एग्रीमेंट बेनजीर भुट्टो और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच में था। अब किस लिए क्या गया, 1986 और 1987 के यदि हम लोग बीच की बात करते हैं तो मैसिव एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था ब्रास स्टैक। ठीक है, जिसने फियर इकट्ठा कर दिया था पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेते हुए, इंडिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेते हुए, तो अब इसमें फियर हो गया था, ये आपको देना। अब इस ब्रास स्टैक ऑपरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन किया गया था राजस्थान के अंदर। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ये आप मतलब इसलिए जो एसोल्ट एक्सरसाइज नियर बाय पाकिस्तान नेवल बेसिस, पाकिस्तान के नेवल बेसिस के आस पास किया गया था और पाकिस्तान ने सोचा भाई हमारे पर नेवल अटैक कर से हमारे पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, तो ये एग्रीमेंट लिस्ट अभी हुई है, तो पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो ये है आपका 81st डिफेंस अपडेट। इज दैट अंडरस्टूड? क्या ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 82nd डिफेंस अपडेट आपके सामने ही रहा। अभी ध्यान से देखिए ये क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है इससे। क्या कहता है, अभी MiG-27 एयरक्राफ्ट जो है फाइटर एयरप्लेन, इसको रिटायर हो गया है, मतलब इसके जितने भी अभी सीरीज बची थी सबको रिटायर कर दिया, डिमोलिश डिकमीशन कर दिया गया, और पूछा जाएगा पेपर में कहां से रिटायर किया गया, तो उसके लास्ट स्क्वाड्रन 29 स्क्वाड्रन थी जो जोधपुर के अंदर अभी बेस थी, इसको रिटायर कर दिया गया। अगर ध्यान से रखिए इस MiG-27 के बहुत सारे नेम थे, जब 1999 का करगिल वार होता उसमें बहुत ज्यादा इसने स्ट्रेटेजिक रोल प्ले किया था, इसको स्विंग फाइटर के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन आर्मी ने 1999 कारगिल वॉर के बाद इसको बहादुर का नाम दिया था। इसी प्रकार से नाटो ऑपरेशन जब था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता, तो उसमें भी इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तब इसको फ्लॉगर बोला जाता था, ये अपना, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसको बहादुर के नाम से जाना जाता था। इसने अपने लास्ट सोटी कहां से किया, जोधपुर के राजस्थान के एयरफोर्स बेस स्टेशन से करी है, और ये आपको ध्यान रखना कौन सी स्क्वाड्रन थी, लास्ट 29 स्क्वाड्रन थी जो जोधपुर के अंदर एस्टेब्लिश थी, ये आपको देना। ठीक है, इसने क्या किया है, ये जो अटैक था ये इंडियन एयरफोर्स में मिशन हुआ था, मतलब आया था 1985 में आया था, और इसने 99 के करगिल वॉर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले किया, ये आप देना, और इंडियन एयरफोर्स के जितने पायलट्स हैं ये 99 करगिल वॉर में इसने काफी अच्छा रोल प्ले किया, तो इसको बहादुर का नाम दिया इन्होंने, ये आपको यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, अब होता क्या है, इसका क्या धीरे धीरे वर्जन अपलिफ्ट किया गया है। अब वर्जन अपलिफ्ट किया गया तो कैसे कैसे वर्जन अपलिफ्ट किया, तो पहले इसका MiG-23BN था, फिर MiG-23FF आया, और अब जो हमें लेटेस्ट में वर्जन यूज कर रहे थे वो था MiG-27, ये आप यहां पर ध्यान से रख सकते हो। क्लियर है, ये ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट ध्यान रखना, अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे 99 के जो करगिल वॉर था उस ऑपरेशन का नाम क्या था, आप बोलोगे ऑपरेशन पराक्रम था, ये आपको यहां पर देना। अब इसने कम से कम 35 साल तक इंडियन एयरफोर्स के अंदर सर्विस दी है, और अब MiG-27 है क्या, एक फाइटर बॉम्बर है, मतलब ये कैपरिया लंबा जयंती, ये क्या कहता है, फाइटर बॉम्बर है, मतलब फाइटर प्लेन है जो बॉम्ब को टारगेट पर हिट करता है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बैकबोन रहा है इंडियन एयरफोर्स की काफी 3 डिकेड तक, मतलब लगभग 30 साल डिकेड, मतलब 30 साल तक बैकबोन रहा है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसके अंदर लगभग एटलीस्ट कितने स्क्वाड, कितने एयरक्राफ्ट थे, 18 एयरक्राफ्ट थे, लेकिन अभी लेटेस्ट में इसको डीकमीशन हमने किस लिए किया, कुछ ना कुछ इसमें डीमेरिट आ गई होंगी। डीमेरिट क्या है, जब एयरक्राफ्ट के जो पायलट को, जो पायलट इसकी ट्रेनिंग वगैरह पे जाते थे, जब शोटी वगैरह पर जाते थे, तो नॉर्मली आपने देखा होगा इंडियन एयरफोर्स के प्लेन क्रैश हो गए हैं, ऐसी न्यूज वगैरह थी, मतलब इसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट बहुत ज्यादा देखा जाने लगा, जिससे पायलट को लाइफ और साथ साथ ये एयरक्राफ्ट भी लाइफ की डैमेज होने लगी, जिस वजह से इसको डीकमीशन कर दिया गया, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं 29 स्क्वाड्रन कब बनी थी, तो 29 स्क्वाड्रन आपकी 1958 में बनी थी, किस एयरफोर्स स्टेशन पर बनी थी, हलवारा एयरफोर्स स्टेशन और औरंग एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ये बनी थी, ये आपको तूफानी बोला भी जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अपग्रेडेड वर्जन मैंने आपको बताए हैं, और या फिर मैं आपको बताऊं इसके अंदर 29 स्क्वाड्रन के अंदर और कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे, तो आप देख सकते हो MiG-21 था इसके अंदर, MiG-21 का टाइप 77 था,
मेक 21 का टाइप 96 था, मेक 27 ml था और मेक 27 अपग्रेडेड वर्जन जो अभी हम यूज कर रहे थे इसको रिटायर किया गया, ये आप देख सकते हो, क्लियर है। तो इसको डीकमीशन कर दिया गया है, अब इसका और कोई भी आगे नहीं चलेगा। और डीकमीशन होने का कारण क्या था, टेक्निकल फॉल्ट बहुत ज्यादा आगे थे जिस वजह से इसको डीकमीशन कर दिया गया। तो ये आपका लेटेस्ट अपडेट है। आप बोलोगे 29 स्क्वाडर जोधपुर से इसको डिग्रेड किया है, इसका पहले नाम फ्लॉगर था, इंडियन एयरफोर्स में इसको बहादुर बोला जाता था, इसने 99 करगिल वॉर में काफी अच्छा रोल प्ले किया था जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के पायलट को बहादुर बोलते थे। इसके अपग्रेड वर्जन मेक 27 लेटेस्ट था, कैसे कैसे अपग्रेड हुआ है, मेक 23 बीएन से, मेक 23 एमएफ से अपग्रेड हुआ है, ऑपरेशन पराक्रम 99 का है, ये कैसा प्लेन है, ये फाइटर बॉम्बर प्लेन है जिसने 3 डेकेड तक अपनी सर्विस दी है, लगभग 35 साल तक इसने सर्विस दी है, तो 29 स्क्वाडन के अंदर एस्टैब्लिश था, ये आप देखते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया 82। अंडरस्टूड? हां, तेजस रिप्लेस करेगा, ये मैंने बता दिया आपको, ये मैंने कल अपडेट में बताया था, तेजस रिप्लेस करेगा मेक 21 को, कल बताया था ना मैंने, तेजस रिप्लेस करेगा मेक 21 को, कल बताया था मैंने आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिफेंस अपडेट 83 आपके सामने ये रहा, क्लियर। ये क्या कहता है, इंडिया और जापान के बीच में अभी 5th राउंड की मैरीटाइम डायलॉग हुई है, मैरीटाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड डायलॉग्स वगैरह हुई हैं। किस लिए डायलॉग्स हुए होंगे, आपको मालूम है समुद्र की सिक्योरिटी से रिलेटेड हुए होंगे। ये डायलॉग्स कहां पर हुई है बच्चों, टोक्यो के अंदर हुई है। और ये कैसी है, 8th राउंड ऑफ बायलेटरल कंसल्टेशन ऑन डिसआर्मेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन पर हुई है, ये आपको ध्यान, ठीक है। और साथ ही साथ मैरीटाइम अफेयर्स हमारे म्यूचुअल जो समुद्र के अंदर हमारे रिश्ते हैं वो ज्यादा बढ़ सके इसके वजह से हुई है, आपको ध्यान। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे वो आप देख सकते हो, इसमें मैरीटाइम डायलॉग हुआ न्यू दिल्ली के अंदर, ये 2013 में पहले भी होता और अभी लेटेस्ट में कहां पर हुआ, 2019 में टोक्यो के अंदर हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आइलैंड्स का एक्सचेंज होगा, स्वैपिंग होगा, जापान का कुछ आइलैंड हमारी नेवी यूज करेगी और इंडिया के कुछ आइलैंड को जापान की नेवी यूज करेगी। किस लिए यूज करेगी, क्योंकि आप देख रहे हो जो आपका इंडियन ओशन है उसके अंदर चाइना की डोमिनेंस बढ़ रही है और जापान और चाइना का हमेशा 36 का आंकड़ा था क्योंकि 54 सही के अंदर है। तो चाइना को डोमिनेट करने के लिए जापान कहीं ना कहीं पर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया के साथ, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एक दूसरे को। और इंडिया का भी फियर, इंडिया का भी मेन दुश्मन चाइना, जापान का भी चाइना, तो दोनों का दुश्मन सेम, तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर अपने आइलैंड को स्वैप किया है। जैसे जापान का जो बेस है दिजुबुती के अंदर वो जापानीज आर्मी के जक्सेस में था, उसको इंडियन आर्मी अब यूज करेगी और इंडियन आर्मी का जो नेवल बेस है अंडमान निकोबार के अंदर उस पर जापानीज बेस भी बन जाएगा, ये आपको देखते हो। थर्ड पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं तो जिमेक्स करके क्या होगी, मैरीटाइम एक्सरसाइज भी हुई अभी हेल्ड। जिमेक्स मतलब जापान इंडिया, ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, जे मतलब जापान, आई से मतलब इंडिया, मैरीटाइम एक्सरसाइज, ईएक्स मतलब एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद 2+2 डायलॉग, डिफेंस डायलॉग भी है जिसके अकॉर्डिंग में क्या होगा, डिफेंस डायलॉग से रिलेटेड मतलब टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान हुआ होगा। तो 2+2 डिफेंस डायलॉग अभी यूएसए के साथ भी है, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, जिस वजह से रशिया बहुत परेशान है और जिस वजह से क्योंकि इंडिया का झुकाव थोड़ा बहुत यूएसए की तरफ ज्यादा जा रहा है और रशिया का झुकाव चाइना की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बीच में 2+2 डायलॉग, डिफेंस डायलॉग बिटवीन यूएसए एंड इंडिया रीजन रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या रहा है, वो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब यदि हम लोग सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, मैरीटाइम रिश्ते दोनों के आपस में बढ़ेंगे, सी बोर्न ट्रेड समुद्र के अंदर व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमीज एक दूसरे की डेवलप करेंगी, इनके साथ क्या होगा, एक दूसरे काम करेंगे साथ साथ एक दूसरे के, सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड, ट्रेड में सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी। आप देख सकते हो पायरेट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जितने भी आपके शिप्स वगैरह होते हैं उनको हाईजैक वगैरह कर सकते हैं। अब बेस बनने से क्या होगा, सर्विलेंस पावर बढ़ जाएगी नेवी की और कोई भी आपका जो शिप वगैरह उसमें कोई हाईजैक वगैरह नहीं होगी और पीस ज्यादा फैलेगा, ये मेन रीजन है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफेंस एग्रीमेंट जो होता है, डिफेंस मैरीटाइम डायलॉग होता है जापान और इंडिया के बीच में, उसके मेन की पॉइंट्स बताइए, तो उसके मेन की पॉइंट्स ये हो गए, आपसे पेपर पॉइंट ऑफ से पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड? ये 83 डायलॉग हो गया आपका, 83 डिफेंस अपडेट। एक बार लाइक एंड शेयर कर दो दबा के। चलिए नेक्स्ट 84th डिफेंस अपडेट की तरफ चलते हैं। तो 84th डिफेंस अपडेट हमारा ये रहा, ध्यान से देखिए, ठीक है।
84 डिफेंस अपडेट क्या कहता है, अभी लेटेस्ट में मेजर अनूप मिश्रा को अवार्ड दिया गया आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में पूछा जाएगा। आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला, तो आप बोलोगे मेजर अनूप मिश्रा को। किस लिए मिला है, मेजर अनूप मिश्रा एक बार थी कश्मीर वैली के अंदर डिप्लॉयड थे, तो लकली उनको क्या हुआ, गोली लग गई। जब उनको गोली लगी तो उनकी आर्मर प्लेट समझते हो, एक तरीके से चाकू का जो हथियार होता है उस टाइप से, तो आर्मर प्लेट से उनकी टक गई, तो वो डीप ट्रोमा, अंदर नहीं जा पाई बुलेट वगैरह, तो उनको उसके बाद वो कई दिनों तक कोमा वगैरह में रहे। तो उनको क्या आइडिया आ गया, क्या ना क्यों ना मैं इस डीप आर्मर प्लेट का जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल कर मैं क्या बनाऊं, कोई ना कोई के बुलेट प्रूफ जैकेट बना दूं। तो उस बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने बनाई, और उस बुलेट प्रूफ जैकेट का उन्होंने नाम क्या रखा, सर्वत्र कवच करके। अब हुआ क्या, ये यदि हम लोग यहां पर बात करते हैं, मेजर अनूप जो है इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो पुणे किरकी के अंदर है, ये आपको ध्यान सकते हो। अब उन्होंने ये जब बनाई बुलेट प्रूफ जैकेट, काफी हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है और AK-47 के टारगेट को भी इनहेल कर सकती है, बचा सकती है, तो उससे रिलेटेड इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। अबाउट हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, तो उसी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड इनको मिला है सर्वत्र कवच नाम की ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। मेजर अनूप जो है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे के अंदर इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पर चीजें क्लियर होगी, ये अवार्ड जनरल बिपिन रावत ने दिया था, ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये December 24, 2019 का अपडेट है। सीडीएस एग्जामिनेशन यदि आप क्रैक कर रहे हो तो कम से कम आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना पड़ेगा, कम से कम 18 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पढ़ के जाना पड़ेगा, 18 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको कम से कम पढ़ना है, तो मैं कम से कम आपको 1.5 साल तक के सारे डिफेंस अपडेट करा दूंगा, ये आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट आर्मी टेक्नोलॉजी सेमिनार। आरटेक होता है जिसके अंदर आर्मीज के अंदर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज वगैरह होता है, ठीक है। ये 23 दिसंबर 2019 के अंदर होता, मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर होता, ठीक है। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने ऑर्गेनाइज किया था, ये आप देखते हो, ठीक है। और CII ने किया था, और आपके SIDM ने किया था, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, आर्मटेक वॉज बेस्ड, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा था आरटेक का बेस्ड क्या है, तो आप बोलोगे टेक्नोलॉजीज फॉर नॉन कॉन्टेक्ट वेलफेयर, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर यहाँ पर चीज हो गई। अब सर्वत्र कवच की बात कर लेते हैं, वही मैंने जब आपको कहानी बताई है कि उनकी जो बुलेट प्रूफ जब वो कश्मीर वैली के अंदर थे उनको लग गई थी, तो उसी से ध्यान रखते हुए उन्होंने ये सब कुछ बनाई, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, द सूट वाज सर्वत्र कवच, ये आपको देना। उत्तम से क्यू सर, क्यू सर का मतलब क्या, करंट अफेयर जब आती है तो क्यू सर का क्या मतलब है इसमें, क्यू सर नहीं पढ़ी तो मत पढ़, क्यू सर का क्या मतलब इसमें, क्यू सर नहीं पढ़ी तो मत पढ़, तो एक काम करना 2 महीने का करंट अफेयर पढ़ के चले जाना, पेपर में बैठ नहीं रहना, क्यू सर मत पढ़, क्यों क्या क्या मतलब है इसमें, ठीक है। आप ध्यान रखना सर्वत्र कवच क्या क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन गर्दन से लेकर एंकल तक और अपर आर्म्स तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। गर्दन, पहले ब्लड प्रूफ जैकेट आपने देखो कि सिर्फ और सिर्फ चेस्ट को कवर करती थी, लेकिन अगर मैं सर्वत्र कवच की बात करता हूं तो गर्दन से लेकर एंकल और अपर आर्म्स तक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ये आपको देखना। अच्छा, ये प्रोजेक्ट सेंशन हो चुका है 2017 के अंदर और ये अभी Level 3A पर चल रहा है, ये आपको देना, ठीक है। और Level 4A पर आने में टाइम इसको लगेगा और इसको DRDO के थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिंग फिंग वगैरह इसको बना रहा है, ये मेक इन इंडिया इंडियन इनिशिएटिव के थ्रू यहां पर बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना। तो मेजर अनूप मिश्रा डिजाइन करता सर्वत्र कवच नाम के उन्होंने ब्लड जैकेट, जिसके लिए उनको आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, और आरटेक के अंदर देखा सेमिनार हुआ था, और इसकी जो थीम की थी टेक्नोलॉजीज फॉर नॉन कॉन्टेक्ट वेलफेयर, ये आपको देना। सर मैं डाउट पूछा था, बच्चे आता है 1.5 साल का आता है, ये यूपीएससी है बच्चे, 1.5 साल का ही आता है, यूपीएससी है ये, समझ रहे हो, आपको हमेशा सेफ रहना है, यूपीएससी कुछ भी गेम खेल सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है वो, तो कम से कम आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, बाकी अगर आपकी इच्छा है नहीं पढ़ के जाना तो आप 6 महीने का पढ़ के चल जाओ, आपको रियलिटी पता चल जाएगी कहां पर है क्या नहीं है, फिर आप बोलोगे 1.5 साल का सर आ गया था, क्लियर बच्चे। 84 अपडेट, चलिए नेक्स्ट 85th डिफेंस अपडेट ध्यान सकते हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने विजिट किया है इजिप्ट में बायलेटरल टॉक्स के लिए, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने विजिट किया है इजिप्ट में, विजिट किया किसके लिए, बायलेटरल टॉक्स के लिए विजिट किया है।
किस लिए विजिट किया उसकी यहाँ पर बात करते हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अभी इंडियन एयरफोर्स के जो है चीफ है उन्होंने इजिप्ट में विजिट किया है बायलेटरल टॉक से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बायलेटरल टॉक किस लिए किया जाएगा उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इजिप्ट की बात करता हूँ तो इजिप्ट क्या हो गया, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, आफ्टर यूएसए, आफ्टर इटली और आफ्टर सऊदी अरेबिया। इंडिया का बीच में और इटली के बीच, सॉरी इंडिया के बीच में और इजिप्ट के बीच में काफी ट्रेड होता है। यदि हम लोग बात करते हैं, इंडिया इंपोर्ट करता है वहां से ट्रेड लगभग 1.2 मिलियन यूएस डॉलर का, और साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट कितना करता है तो एक्सपोर्ट करता है 2.39 मिलियन डॉलर का। अब यदि हम लोग बात करते हैं किस लिए ये टाइज इंपोर्टेंट है और डिफेंस टाइज किस लिए इंपोर्टेंट है, तो आपको पता है इजिप्ट के अंदर एक नहर है, उस नहर का नाम है स्वेज कैनाल, और उस स्वेज कैनाल के आसपास एक्सपेंशन प्रोग्राम बहुत ज्यादा चल रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत चल रहा है, उसको बोला जाता है एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, SCEZ के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर चाइना और यूएसए ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट ने इंडिया ने भी वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर इंडिया ने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो इंडिया को अपने डिफेंस स्टॉक्स भी, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी इजिप्ट के साथ बढ़ाने चाहिए। तो उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं उन्होंने बायलैटरल टॉक्स के लिए एक विजिट कर गए हैं, जो कहां पर गए, इजिप्ट के अंदर, और इसके अंदर कम से कम 3 मिलियन यूएस डॉलर की यहां पर क्या होगा इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है इंडिया का इजिप्ट के अंदर, ताकि इन दोनों के कोऑपरेशन अच्छे बने रहे। हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं, इजिप्ट ने कभी भी इंडिया के साथ किसी भी इंडिविजुअल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन नहीं किया है, उसने इंडिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया है, और वो मिलिट्री एक्सरसाइज 17 अफ्रीकन नेशंस की होती थी, जिसको बोला था F-Index 19, जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले 2-4 दिन पहले, करंट डिफेंस अपडेट होता था F-Index। तो कभी इंडिविजुअल से नहीं किया है उसने, तो आप ये देख सकते हो, ध्यान में, ठीक है। और अभी यदि हम लोग बात करते हैं अफ्रीकन नेशंस के अलावा, F-Index 19 के अलावा अगर कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुई है अफ्रीकन नेशंस के अंदर, तो एक लेटेस्ट में और हुई है जिसका नाम है IAFTX, इंडियन एयर अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो अभी लेटेस्ट में मार्च 2019 में हुई थी। तो ये भी काफी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे मैंने टॉक्स आपको बता दिए, तो ध्यान से रखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट किस लिए है। आपको देखते हो, द एम ऑफ द विजिट इज टू स्ट्रेंथन लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, ठीक है, रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है, ये आपको देखना। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट होगी इजिप्टियन एयरफोर्स के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, आर्म फोर्सेस के अंदर सीनियर ऑफिसर्स जो होंगे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब हम लोग यदि बात करते हैं इजिप्ट इंडिया का क्या हो गया, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया, किसके बाद, यूएसए, इटली और सऊदी अरेबिया की बात हो गया। अब ट्रेड की यदि हम लोग बात करते हैं, 1.9 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पर क्या हो गया इंपोर्ट करता है इंडिया, और एक्सपोर्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो 2.39 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। किस लिए इंपोर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया स्वेज कैनाल है, और स्वेज कैनाल एक्सपेंशन प्रोग्राम SCEZ के नाम से रहता है, जिसमें चाइना और यूएसए ऑलरेडी एक्सपेंस कर रहे हैं, और इंडिया ने भी इसमें अपना एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया है, और लगभग 3 मिलियन यूएस डॉलर का यहां पर एक्सपेंडिचर करेगा। उसको मद्देनजर रखते हुए गुड डिफेंस रिलेशंस बनाना भी देश के साथ काफी इंपोर्टेंट है सिक्योरिटी पर्पस से, ताकि हमारे गुड और ट्रेड्स भी यहां पर अच्छे से चलते रहे। अगर इंडियन इजिप्ट एक्सरसाइज की हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए, इंडिविजुअल एक्सरसाइज में कभी इसने पार्टिसिपेट नहीं करा, इसने जो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया वो 17 अफ्रीकन नेशंस की पार्टिसिपेट किया है, उसका नाम है F-Index 19। उसमें आने वाले जो देश है वो इजिप्ट, नाइजीरिया, घाना, युगांडा जैसे अफ्रीकन देश है, और पहले आपको मैंने सारे देशों के नाम बताए हैं। उसके अलावा अफ्रीकन नेशन का जो एक्सरसाइज वगैरह हुई है उसका नाम है IAFTX, जिसका नाम है इंडियन अफ्रीकन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो मार्च 2019 में हुई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट 85 ईयर आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट डिफेंस अपडेट 86, डिफेंस अपडेट 86 ध्यान से देखिए, डिफेंस अपडेट 86 ध्यान से देखिए क्या कहता है। ध्यान से देखिए, DRDO ने अभी लेटेस्ट में टेस्ट किया है मिसाइल, उसका नाम क्या है, QRSAM। उस मिसाइल का नाम क्या है, QRSAM, ये आप देख सकते हो, ठीक है।
QRSAM, QRSAM की यदि मैं बात करता हूं तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का इसका टेस्ट कंडक्ट किया है। अब इस मिसाइल की क्या कैपेबिलिटी है, किस लिए ये सक्सेसफुल है, तो ये क्या होता है किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है हवा के बीचों बीच में और उसको सक्सेसफुली रिटेलिएट कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब इसके अंदर हाई क्लास रडार रेंज सिस्टम लगे होंगे और टेलीमेट्री सिस्टम्स लगे होंगे, ग्राउंड टेलीमेट्री सिस्टम्स, जो क्या करेंगे ऊपर से सिग्नल्स को भेजकर नीचे जो आपका रडार लगा होगा उसको भेज देंगे कि मिसाइल किस डायरेक्शन में आ रही है, कहां से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, क्या उसका रेडिएशन है, क्या कितने एरिया पर डैमेज करेगा। तो मतलब मिड एयर मीटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये आपको देखना। और साथ ही साथ उस मिसाइल का जो टारगेट मिसाइल हमारे यहां पर है, हमारे दुश्मनों की टारगेट मिसाइल है, उसका पूरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम हमें बता देगा कि कैसे कैसे इसको ट्रैक करना है, कितने एरिया बाद हम लोग यदि इसको टारगेट करें तो ये मिसाइल खत्म हो जाएगी, ये आपको देखना। और यदि मैं इसकी कंडीशन बात करता हूं तो ये जो मिसाइल होगी ये 360 डिग्री पर कवरेज दे सकती है, पूरे 360 डिग्री पर कवरेज वगैरह दे सकती है। जय हिंद, ठीक है, अभय बख्शी जय हिंद और प्रतीक राज सिंह जय हिंद, हेलो सर, हेलो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दो रडार सिस्टम यहां पर लगे होंगे और दो डाटा लिंक वगैरह यहां पर लगे होंगे। डीआरडीओ इसको बना रहा है, किसके कंट्रीब्यूशन से बना रहा है, बीईएल के कंट्रीब्यूशन से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कंट्रीब्यूशन से आपको बना रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल, ये रिप्लेसमेंट है किसका, ओसा एक का, ओसा एक, ओएसए एक का, और क्वाड्रात मिसाइल सिस्टम का रिप्लेसमेंट है, ये आपको देना, ठीक है। सबसे पहले इसकी फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्टिंग वगैरह की थी 2017 के अंदर और अभी लेटेस्ट में दोबारा इसकी टेस्टिंग वगैरह करके देखी गई है 2019 के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्वारसम नाम की जो मिसाइल है इसके हम लोगों ने टेस्टिंग कहां से करी है, तो आप बोलोगे चांदीपुर रेंज स्टेशन उड़ीसा के अंदर है, जो वहां से किया गया है। तो ये है आपका डिफेंस अपडेट नंबर 86। तो मैं फिर से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, इसको डीआरडीओ बना रहा है, क्वारसम की फुल फॉर्म क्या हो गई, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, कंडक्ट क्या करता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट इसकी कहां से हुई, चांदीपुर उड़ीसा के अंदर हुई, अभी मैंने आपको बताया इंटरसेप्ट कर लेता है मिड एयर मीटिंग के अंदर मिशन कर लेता है, ये मॉनिटरिंग करेगा क्योंकि इसमें लार्ज रडार सिस्टम लगेंगे, ग्राउंड टेलीमेट्री सिस्टम्स भी लगेंगे और पूरा का पूरा जो मिसाइल आ रही है उसका इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम बता देगा कितनी स्पीड से चल रहा है, कहां पर अटैक करेगा, क्या लगेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो दो रडार सिस्टम लगे होंगे, 360 डिग्री का ये कवरेज वगैरह दे सकता है, सर्विलेंस रडार भी होंगे इसके अंदर, तो आप देख सकते हो डीआरडीओ बना रहा है और इसके अंदर टू डाटा वे लिंक भी लगा होगा। क्वारसम की यदि हम लोग बात करते हैं, डीआरडीओ बना रहा है, बीएल के कंट्रीब्यूशन से बना रहा है, तो ये रिप्लेसमेंट है किसका, रिप्लेसमेंट है ओसा एक का, और क्वाड्रात मिसाइल जो सिस्टम है उसका रिप्लेसमेंट है। फर्स्ट सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग 2017 में की गई थी और लेटेस्ट में इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग कब की गई है, 2019 में की गई है। तो ये रहा आपका डिफेंस अपडेट नंबर 86 जो पेपर पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट? थ्री डी सर, दिस मिसाइल 2D और 3D, 3D 360 डिग्री है तो बच्चे 3D है, 3D थ्री डायमेंशनल व्यूज देगा, ये थ्री डायमेंशनल देगा, 3D व्यू, ठीक है। एक बार हाजी लगा दो सब लोग अपने अपने, एक बार हाजी लगा दो सब लोग अपने अपने, ठीक है। ठीक है, जितने बच्चे इस पर नए हैं प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लर्नर्स फीडबैक फॉर्म होगा उसको फिल कर देना, जितने नए हैं, जिन्होंने फिल कर रखा है वो ऑलरेडी मत करें, जिन्होंने फिल नहीं कर रखा प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा लर्नर्स फीडबैक फॉर्म, प्लीज उसको फिल कर देना, उससे पता चलेगा क्या पढ़ना चाहते हो क्या नहीं। तो प्लीज लर्नर्स फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करना, और जो ऑलरेडी प्लस पर प्लस लिख दे अपने नाम के ऊपर, जो नहीं है वो नो लिख दे, और जिसने फिल कर रखा है, जिसने फिल कर रखा है वो ना करे प्लीज, जिसने फिल कर रखा है वो दोबारा फिल ना करे लर्नर्स फीडबैक फॉर्म। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 87th डिफेंस अपडेट की, यहाँ पर बात करते हैं तो ध्यान से गेट 87th डिफेंस अपडेट क्या है आपका। तो 87th डिफेंस अपडेट ये कहता है कि अभी लेटेस्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ठीक है,
ठीक है। अभी लेटेस्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिफ्थ एडिशन लॉन्च किया है आरटेक, ठीक है, फिफ्थ एडिशन ऑफ आरटेक लॉन्च किया है टू न्यू दिल्ली इन, ठीक है, ये आप देख दो आरटेक मैंने अभी आपको बताया है। आरटेक देखो मैंने अभी आपको बताया जब मेजर के में बता था, ये देखो ध्यान से देखिए आरटेक, ये देखिए फिफ्थ एडिशन ये तो था, ये देखिए आर्मी टेक्नोलॉजी सेमिनार, समझ रहे हो, आरटेक आर्मी टेक्नोलॉजी सेमिनार, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में 23 दिसंबर के अंदर ये आपका फिफ्थ फिफ्थ हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, दीक्षा कुशवाहा, हाँ बिल्कुल बच्चे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, आर्मी टेक्नोलॉजिकल सेमिनार वगैरह यहाँ पर क्या गया, फिफ्थ एडिशन इसका हुआ था। इसका मेन पर्पस क्या था, तो आप ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या था, इंडियन आर्मी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन टेक्नोलॉजीज फॉर नॉन कॉन्टेक्ट वॉरफेयर। अब इसमें क्या बोला है कि अभी इंडियन आर्मी सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जितनी भी थ्री फोर्सेस हैं वो ज्यादातर बेस्ड है किस पर, मैन पावर इंटेंसिव को ज्यादा, मतलब मैन पावर को मॉडिफाइड बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करती है, ना कि टेक्नोलॉजी इंटेंसिव को। हमें क्या करना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना चाहिए, हमें अपने बैटल फील्ड की स्ट्रेटेजीज को बढ़ाना चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर क्या हुआ, कोलाब्रेशन किया गया डिफरेंट कंपनीज के साथ, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हमारे यहाँ पर भी कुछ इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज डिफेंस सेक्टर के अंदर आ जाए और हम लोग भी कुछ नई नई चीजें बना सके और हम लोग अपनी मैन पावर को ना बढ़ाएं और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, जिससे हमारे बाहरी दुश्मन चाइना पाकिस्तान जैसे जो देश हैं उनको के लिए उनके विरुद्ध भी हम लोग भी अगेंस्ट हो जाए, अगेंस्ट तो सॉरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्ग तो हम लोग हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये आपको देखते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या गया है, इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल बनाने के लिए बोला गया है, टेक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में बोला गया है, प्रोटोटाइप मतलब एक सैंपल बनाने के लिए अभी बात करिए, सैंपल अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसको लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट करेंगे, ये आपको देना, ताकि हम लोग उसको किसी मिलिट्री ऑपरेशन में एज अ ट्रायल यूज कर सके। अब यदि हम लोग बात करते हैं और क्या बोला गया इसके अंदर, बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए बात की गई है। बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, वो क्या करेगा, गूगल मैप की हेल्प कर हमें बेटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि किस प्रकार से हमारे सोल्जर्स को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए बॉर्डर के आसपास, उसकी यहां पर बात की गई, मतलब गूगल मैप का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए यहां पर बोली गई है। अब इस बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लगभग कितना पैसा लगेगा, तो लगभग इसके अंदर $25 मिलियन का खर्चा आएगा। 2007 के अंदर इसके लिए हम लोग ने $3.5 बिलियन तो इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफी कम था, पैसे की कमी की वजह से ये रुका हुआ था। अब 2018 में फिर से इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, तो अब इसको फिर से इनिशिएटिव मिलने जा रहा है। और आप देख सकते हो अभी इंडियन आर्मी के अंदर काफी चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, आपका जो एमईएस है, पोस्टल ग्रुप्स हैं, और अभी आपने देखा टर्म ऑफ ड्यूटी आपने देखा है, टूर ऑफ ड्यूटी आपने देखा है, उसके अंदर टूर ऑफ ड्यूटी आपने देखा वो इंप्लीमेंट करा जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पर मैन पावर को डिक्रीज करके थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी अचीवमेंट की गई है, ये सारी की सारी बात इस पॉइंट के अंदर बोली गई है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट। तो अभी लेटेस्ट में आर्मी टेक्नोलॉजी सेमिनार यहाँ पर किया गया है और इसके अंदर क्या होगा, टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट किया जाएगा और इसके अंदर क्या होगा, मेक इन इंडिया के अंदर जो इंडिजिनियस कैपेबिलिटी डिफेंस सेक्टर के अंदर उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव को बढ़ाने के लिए बोला गया है और मैन पावर इंटेंसिव को घटाने के लिए बोला गया है। इसके अंदर बायलेटरल मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए बोला गया है, इसके अंदर एक्ट गूगल मैप को बेटर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन के लिए बोला गया है और साथ साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाने के लिए बोला गया है, टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम इनका प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, प्रोटोटाइप को इस्तेमाल करने के लिए हम मिलिट्री एक्सरसाइज में ऑपरेशन में इस्तेमाल करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसको आगे डेवलप करेंगे। $25 मिलियन का खर्चा आएगा, 2007 में $3.5 मिलियन का इन्फ्रास्ट्रक्चर होता, लेकिन लैक ऑफ फंड की वजह से इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया, अब दोबारा इसको इंपोर्ट कर रही है टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो आप क्योंकि अभी हमें नीड है लेटेस्ट में, ये आप देखते हो। तो ये है आपका 87th डिफेंस अपडेट, क्लियर अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट 88 डिफेंस अपडेट की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। 88 डिफेंस अपडेट हमारा क्या है, तो ध्यान सकते हैं 88 डिफेंस अपडेट अभी क्या है, अभी हम लोगों ने अपनी
पिनाका मिसाइल का टेस्ट फायर किया है सेकेंड डे इन सेल्वो मोड। सेल्वो मोड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज ऑफ फायर आर्म्स। सपोज करो मैं ऑन द सेम इंस्टेंट एक साथ 12 मिसाइल को फायर कर दूं, उसको बोला जाता है सेल्वो मोड। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है? नॉर्मली दुश्मन को क्रिपल करने के लिए, ताकि वो दोबारा से अटैक ना कर सके। अब यदि हम लोग बात करते हैं पिनाका मिसाइल, तो ये क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है, जिसके अंदर एक साथ क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकता है 72 रॉकेट को। 44 सेकंड के अंदर हम लोग 72 रॉकेट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब ये किया गया, अब इसकी क्या हो गया, दो बेस में इसको ट्रायल किया गया। जब पहले बेस में इसको ट्रायल वगैरह किया गया तो 20 किलोमीटर रेंज की इसमें टेस्टिंग वगैरह की गई है, या अपना एक्यूरेसी देखने के लिए। दूसरे ट्रायल में क्या किया, हम लोगों ने इसमें टेस्ट किया है, जहां पर हम लोगों ने दो मिसाइल को फायर किया है 60 सेकंड के इंटरवल गैप के साथ, ये आपको ध्यान रखना। अब यदि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो काफी सक्सेसफुल है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग टाटा करेगा और L&T लार्सन एंड टर्बो कर रहा है, और लगभग हमारे यहां पर 40 बैटरीज मतलब 40 यूनिट्स बनाई जानी थी 2006 तक, और 2015 तक हम लोग उसको और डिप्लॉय करके और बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से हमें क्लियरेंस मिल गया है कि जल्दी से जल्दी इस पिनाका रॉकेट मल्टी लॉन्चर को इंडिजिनियसली इंडिया में बनाया जा सके। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करते हैं तो अपग्रेड भी किया जाएगा इसका, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अपग्रेड वर्जन इसका जो होगा वो कौन सा होगा, इल्यूशन होगा, उसका 26 इल्यूशन होगा, ये आपको देखना। और वो कहां से आएगा, रशिया की तरफ से इंपोर्ट वगैरह किया जाएगा, ये इसके अंदर यहां पर बोला गया। तो फर्स्ट देख लेते हैं दोबारा, अभी लेटेस्ट में इसका आपको ध्यान रखिए, पिनाका की मैं बात कर रहा हूँ, साल्वो मोड में इसका टेस्टिंग वगैरह फायर किया गया। कहां से किया, चांदीपुर से किया गया, फर्स्ट ट्रायल कंडक्ट किया गया इसके यहाँ पर। ठीक है, और ये सेकंड ट्रायल चांदीपुर उड़ीसा से की गई है। अब इसके अंदर क्या किया गया, ये आप देखिए, साल्वो मोड में किया गया है। तो फर्स्ट ट्रायल जब किया गया था तो 20 किलोमीटर की रेंज हाईएस्ट एक्यूरेसी ऑब्टेन की गई थी, और दूसरा ट्रायल जब इसके अंदर किया था 60 सेकंड के इंटरवल से दो मिसाइल को टेस्ट फायर यहाँ पर किया गया था। साल्वो मोड कहता है साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज ऑफ फायर आर्म, एक साथ बहुत सारी रॉकेट्स को छोड़ देना, और वो किस लिए कहता है, क्रिपल करने के लिए आर्मी को, ताकि वो दोबारा से अटैक वगैरह ना कर सके। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा पिनाका क्या है, तो आप बोलोगे MBRL है। ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट, बैरल मतलब बहुत सारे बैरल्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर से रॉकेट निकलते हैं। आपने कभी देखा होगा एक गाड़ी सी बनी होती है, उसमें ऐसे होल्स वगैरह बने होते हैं इस प्रकार से, और उसमें से रॉकेट वगैरह इस प्रकार से निकलते हैं, ये है आपका। इसके अंदर क्या होगा, कम से कम 72 रॉकेट को डिप्लॉय किया जाएगा, 44 सेकंड के गैप से छोड़ सकता है। बना कौन रहा है इसको, पिनाका MBRL टाटा बना रही है और L&T बना रही है। कम से कम 40 बैटरी ईच इन 2006 में आपको बनानी थी, ये आपको देना। ठीक है, अब इसका क्या होगा, वॉज डन टू अपग्रेडेड 26 इल्यूशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ब्रॉट फ्रॉम द रशिया। इसको क्या कहेगा, 26 इल्यूशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उस पर इसको डेवलप किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अंडरस्टूड, तो ये है आपका डिफेंस अपडेट 88। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफेंस अपडेट 89 की। तो डिफेंस अपडेट 89 के ध्यान से देखिए, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी मिलकर एक एक्सरसाइज चलाई है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, अपहरण। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, अपहरण, नाम से आपको समझ में आ रहा है एक क्या है, एक एक्सरसाइज होगी जहां पर एंटी हैकिंग वगैरह होती है, हाईजैकिंग होती है, हाईजैकिंग के विरुद्ध एक एक्सरसाइज आई थी। तो एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज होगी, तो किसने इसको कंडक्ट किया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, और कहां पर किया गया, कोची पोर्ट में, यहां पर किया गया, कोची पोर्ट पर किया गया, और इंडियन नेवी। ठीक है, इसके अंदर 12 शिप्स और हेलीकॉप्टर कोचिन जो पोस्ट ट्रस्ट है वहां पर इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको किया है। अब तक की सबसे पहले एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की गई है लार्ज स्केल पर इंडिया के द्वारा किसी पोर्ट ऑफ कोचिन के द्वारा। अब इसके अंदर किसने किसने पार्टिसिपेशन किया, तो इसके अंदर मार्कोस कमांडो जो आपके नेवी के कमांडो होते हैं, मरीन कमांडोज बोलता है, उन्होंने क्या किया होगा, अभी लेटेस्ट में हाईजैक वेसिकल जो होगा, वेसल्स वगैरह होगा, उसको ऑपरेशन मतलब उसको किस प्रकार से छुड़ाया जा सके, क्योंकि आपने अभी देखा है लेटेस्ट में सोमालियन जो है, सोमालिया पायरेट्स आपने सुना होगा, सोमालियन समुद्री लुटेरे आपने सुना होगा, जो क्या करते हैं, किसी भी जो आपकी क्या होती है कमर्शियल शिप्स होती है, उनको हाईजैक कर लेती है और फिर मुंह मांगी कीमत मांगती है इनको छुड़वाने के
के लिए, तो उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी ने एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाया गल्फ ऑफ अदन के अंदर 2008 से, जहां पर इंडियन क्या कर रहा है, इंडियन नेवी जो कर रहा है वो फ्लैग्ड मार्च चलाता है, शिप्स के चलाता है जहाजों समुद्र के अंदर, ताकि दुश्मनों को फियर बना रहे, हाँ नेवी यहाँ पर है तो हम किसी को हाईजेक वगैरह नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर कई बार क्वेश्चन पूछेगा भाई अपहरण क्या है, तो अपहरण क्या आपका इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के बीच में एंटी हाईजेकिंग एक्सरसाइज हो गई, जिसके अंदर 12 शिप्स और हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया था, कोची ट्रस्ट के अंदर मरीन कमांडो, ठीक है, एंटी हाईजेकिंग एक्सरसाइज वगैरह हो गई, किसलिए सोमालियन पायलट्स वगैरह, मैंने अभी आपको कंडीशन आपको सारी बता दी, ये है आपका डिफेंस अपडेट 89। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट डिफेंस अपडेट, नेक्स्ट डिफेंस अपडेट हमारा क्या है 90, ठीक है, 90th डिफेंस अपडेट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी लेटेस्ट ने डीआर पिनाका मिसाइल, मैंने अभी आपको बताई है पिनाका मिसाइल से बात हो रही है, ठीक है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर, वो दो बार हुई है, ठीक है, आपको ध्यान रखना, डीआरडीओ वगैरह पिनाका अलग अलग है, वो ध्यान रखना, ये वाला तो साल्वो मोड में, ये 20 दिसंबर, ठीक है, इसी की बात हो रही है, तो वही सेम है, ये सेम जो अभी मैंने आपको बताई है, सेम पिनाका वाली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जो मैंने अभी आपको सारी सारी बताई है पिनाका वाली, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना, बस इसमें ये बताया गया मार्च 2019 में भी इसको टेस्ट फायर किया गया था, कहां से किया गया था, पोखरण से किया गया था, अभी लेटेस्ट में इसको कहां से किया है, चांदीपुर से किया गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, रशियन टेक्नोलॉजी मैंने अभी आपको बताया, इसमें अपग्रेडेड वर्जन चल रहा है, ये फॉर्मुलेट हुई थी 1993 में, मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हुई थी 1994 में, ठीक है, 2014 तक कम से कम 5000 पिनाका मिसाइल हमें बनानी है, मैंने आपको बताया था 2006 में 40 बनाई थी, अब बढ़ाकर हम उसको बढ़ा रहे हैं, 75 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, कारगिल वॉर में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होता है, और साल्वो मोड आपको मैंने बताया था ताकि उसको क्रिपल किया जा सके, ठीक है, पिनाका MK2 रॉकेट, ये इसका नया वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है, तो पेपर में आपसे क्वेश्चन है पिनाका मिसाइल का मॉडिफाइड वर्जन क्या था, बोलोगे पिनाका MK2 रॉकेट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, दिस मिसाइल नेविगेशन विल बी एडेड बाय IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, जब इंडिया खुद का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यूज करता है, जो इंडिया खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यूज करता है उसको IRNS बोलाता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलाता है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। तभी हम लोग .in लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले में .au, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 91st डिफेंस अपडेट। मैंने अभी आपको बताया था ना इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग हुए, हेल्ड हुए वाशिंगटन के अंदर, ठीक है, किससे रिलेटेड हुए ये आपको ध्यान रखें, किस किसने इसमें एग्रीमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट होता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, तो किस किस देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आप देख लो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर, और इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर हुए थे, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसके अंदर थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन से और डिफेंस कॉपरेशन से संबंधित एग्रीमेंट किए हैं कि हम किस प्रकार से अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकें और डिफेंस में एक दूसरे से कॉपरेशन बढ़ा सके। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हो पैसिफिक, जो आपका इंडियन ओशन है, उस इंडियन ओशन के अंदर चाइना की डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए कहीं ना कहीं पर यूएसए चाहता है, कहीं ना कहीं पर यूएसए चाहता है कि इंडिया की नेवी को और स्ट्रॉन्ग बना जाए, तो उससे रिलेटेड डिफेंस एक्सप्लोरेशन यहाँ पर कॉपरेशन वगैरह होंगे एग्रीमेंट के अंदर, और क्या किया जाएगा, डिफेंस टेक्नोलॉजीज को और साथ साथ ट्रेड इनिशिएटिव DTTI, समझो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव पर साइन किया गया, यहाँ पर डेवलपिंग किया गया, यहाँ पर आपको ध्यान से, ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशन जो मैंने अभी आपको बताया वहां पर रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने से, इसके अलावा यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एग्रीमेंट साइन हुए वाटर रिसोर्सेज को लेकर भी, ठीक है, किस इसके बीच में इंडिया की यदि हम लोग बात करते हैं, इंडिया का कौन सा डिपार्टमेंट था वाटर रिसोर्सेज के बीच में, तो वो कौन था, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति था इसके अंदर, और अगर हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए की तरफ से कौन था, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या कहता है, क्वालिटी असेसमेंट और मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अब यदि हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल, यहां पर बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, ठीक है, और द कंट्री साइंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स
विच विल एनहांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जिससे क्या होगा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज ज्यादा इंक्रीज होगा। उसके यदि हम लोग बात करते हैं ये क्या है, पार्ट है किसका, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट का पार्ट है ये आपको देखना। इससे क्या होगा नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आएंगी और उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनेंगे इंडिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप देख रहे हो यूपी के अंदर और तमिलनाडु के अंदर डिफेंस एक्सपो वगैरह जो मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह बनेंगे, तो इसको बोला था 2+2 डायलॉग और इसके वजह से कहीं ना कहीं पर यूएसए और इंडिया के बीच में रिलेशन बढ़ रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए रशिया को अच्छा नहीं रहा और रशिया और इंडिया की दोस्ती में कहीं ना कहीं पर खलाल जा रहा है। और ऐसे 2+2 एग्रीमेंट किस किसके बीच में हुए, रशिया और चाइना के बीच में हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये बेसिक पॉइंट माना जा रहा है रशिया और इंडिया की दोस्ती के बीच में। तो इसको बोला जाता है 2+2 डिफेंस डायलॉग जो यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ है वॉशिंगटन के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिफेंस अपडेट 92। ठीक है, डिफेंस अपडेट नंबर 92। तो 92 डिफेंस अपडेट क्या कहता है हमारा, अभी लेटेस्ट में हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट फायर किया है उड़ीसा के चांदीपुर बेस स्टेशन से, ये आपको देखना। अगर मैं बात करता हूँ ये कैसे है, मीडियम रेंज की मिसाइल हो गई जो कहाँ कहाँ से लॉन्च की जाती है, आपकी किसी भी जहाज से, वॉरशिप से, सबमरीन से, जमीन से और फाइटर जेट से। ये ऐसी मिसाइल है जो वॉरशिप्स किसी भी लड़ाकू जहाज से लेकर लॉन्च किया जाती है। 2+2 मतलब दोनों के आमने सामने बैठकर, दो मेंबर इनके आएंगे, दो मेंबर हमारे आएंगे। तो आप देख रहे हो ना दो मेंबर्स कौन कौन है, उधर माइक पोम्पियो आए हैं और इधर से कौन आए, मार्क एस्पर आए हैं, और इंडिया की तरफ से कौन आए, श्री जयशंकर आए हैं और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए। इसको नाम दिया गया 2+2 का नाम दिया गया। क्लियर? इसलिए इसको नाम दिया गया 2+2। अब यदि हम लोग बात करते हैं अभी लेटेस्ट में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली लॉन्च किया गया चांदीपुर बेस स्टेशन से, चांदीपुर स्टेशन से किया गया। ये आपको ध्यान रखना कैसी मिसाइल है, मीडियम रेंज मिसाइल है जो कैपेबल है किसके लिए, वॉरशिप से लॉन्च होने के लिए। ठीक है, किसी भी लड़ाकू जहाज जो पनडुब्बी जहाज वगैरह होता है, समुद्री जहाज होता है, उससे लॉन्च कर सकते हो, पनडुब्बी से जहाज लॉन्च कर सकते हो, जमीन से कर सकते हो, फाइटर प्लेन से लॉन्च कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये मिसाइल ऑपरेशन में है, इंडियन नेवी के ऑपरेशन में है, आर्मी के ऑपरेशन में है, एयरफोर्स के ऑपरेशन में है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंटीशिप कैपेबिलिटी भी करती है वॉरफेयर के दौरान, एंटीशिप कैपेबिलिटी और लैंड अटैक कैपेबिलिटीज इसकी काफी अच्छी है, ये आपको देखना। बना कौन रहा है, ब्रह्मोस, यदि हम लोग बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र इंडिया की नदी हो गई, मॉस्को नदी रशिया की हो गई, तो इंडिया की तरफ से जो यूएनचर है वो कौन है, डीआरडीओ है, और यदि हम लोग रशिया की तरफ से बात करते हैं वो कौन है, एनपीएम है। एनपीएम क्या हो गया, जैसे हमारे डीआरडीओ ऑफिशियल है ऐसे एनपीएम रशिया की ऑफिशियल है, गवर्नमेंट है जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन वगैरह करती है। अब इसके यदि हम लोग बात करते हैं प्रोपल्शन के, इसके अंदर पावर सप्लाई अच्छी, एयरफ्रेम सप्लाई अच्छी रहती है, और नेक्स्ट जब से इंडिया ने एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम पे साइन वगैरह किया है तो इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया है और रेंज इसके शिफ्ट कर दी गई 600 किलोमीटर। पहले इसकी रेंज लगभग 259 किलोमीटर के आसपास या 290 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज थी, अब इसकी रेंज को बढ़ा दिया, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्या हो गई, ये क्या है, वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो 2.8 मैक की स्पीड से, मतलब ध्वनि की स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, आपको देना। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करते हैं इसके अंदर रिसेंट ब्रह्मोस टेस्टिंग वगैरह की, हम लोग यदि बात करते हैं तो डीआरडीओ ने इसकी टेस्टिंग वगैरह की है। ठीक है, और लेटेस्ट में इसकी टेस्टिंग तो की है, साथ साथ इसको इम्पोज भी करके देखा गया है, सुखोई 30 MKI जो एयरक्राफ्ट है उस पर इम्पोज करके देखा गया है, वहां पर सक्सेसफुली काम कर सकता है नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको ईस्टर्न कमांड जो है वहां पर भी इसको लगाया गया है, या पता नहीं ईस्टर्न कमांड मतलब अंडमान निकोबार की नेवी के जो ईस्टर्न कमांड है अंडमान निकोबार आइलैंड पर, वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया और रशिया और इसके बीच में काफी एग्रीमेंट्स वगैरह बढ़ रहे हैं। हां, अब लेटेस्ट न्यूज़ यदि मैं आपको बताऊं ब्रह्मोस से, ठीक है, हाँ ध्यान रखना, यदि मैं आपको बताऊं लेटेस्ट इसके डील वगैरह बताऊं ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड, तो अभी आप देख सकते हो फिलीपींस ने एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ क्योंकि वो इंटरेस्ट दिखा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में, तो आप ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हो, पेपर में पूछा जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड। तो ये सारे अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड ये रहे आपके जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि भैया इसको तीनों के तीनों नेवी आर्मी एयरफोर्स, ठीक है, टेस्ट रेंज इसको कहां से, आप देखो चांदीपुर से किया जाता है। ठीक है, ये आपको सारी इंपॉर्टेंट हो गई, लैंड कैपेबिलिटीज के लिए भी किया जाता है,
सकता है, ठीक है। एमटीसीआर पे जब साइन किया है 600 किलोमीटर की रेंज बढ़ा दी है, 2.1 बैक स्पीड हो गई, डीआरडीओ उसको टेस्ट फायर कर सकता है, या कुछ ना पहले 290 तक किया था, इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया है। तो चाइना के फिलीपींस के साथ यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये एग्रीमेंट वगैरह यहाँ पर हो गया। ये आपका डिफेंस अपडेट 92, क्लियर। चलिए नेक्स्ट डिफेंस अपडेट 93 की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से डिफेंस अपडेट 93 क्या है, एयर मार्शल डी चौधरी को क्या बनाया गया, न्यू कमांडेंट बना दिया गया नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज बच्चे कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ये आपको देखना, ठीक है। आपको इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना कि एयर मार्शल डिफेंस, एयर मार्शल जो डी चौधरी वो क्या है, उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया एयर मार्शल डी चौधरी को अभी लेटेस्ट में कमांडेंट बना दिया, किसका कमांडेंट बना दिया, नेशनल डिफेंस कॉलेज का कमांडेंट बना दिया, ये आपको देखना, ठीक है। नेशनल डिफेंस कॉलेज की यदि हम लोग बात करते हैं, ये क्या प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपको देखना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, ये आपको, ठीक है। हाईएस्ट सीट ऑफ स्ट्रेटेजिक एजुकेशन ऑफ नेशन, मतलब नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टडीज की जाती है, जितने भी डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी को कैसे और इंप्लीमेंट कैसे कैसे फोकस कर सके उससे रिलेटेड यहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है, डिफेंस की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, डिफेंस स्टडीज की आप बोल सकते हो। तो उसका इनको क्या बना देगा, कमांडेंट बना देगा, और ये कहां पर है, न्यू दिल्ली वगैरह के अंदर है, इसका हेड ये आपको ध्यान रखना। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपसे पूछेगा, एयर मार्शल डी चौधरी को क्या बनाया गया, न्यू कमांडेंट बना दिया गया, किसका, नेशनल डिफेंस कॉलेज का। इज दैट क्लियर, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सर एनडीसी वाला क्वेश्चन आया था, ओके ओके, शुभम कृष्ण कह रहे सर एनडीसी वाला क्वेश्चन आया था, ओके ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे पेपर में, हाँ मैं लूंगा यार, सब लूंगा यार, तू हाथ मत जोड़ा करो, मुझे पता है क्या पढ़ाना है, वो सब मैं स्टैटिक जीके में कवर करूंगा, वो मैं सब स्टैटिक जीके में कवर करूंगा। तो मैं स्टैटिक जीके कल से स्टार्ट तो कर रहा हूँ, कल से यूएनओ पढ़ाऊंगा ना, यूएनओ यूएनओ पढ़ाने मुझे चार चार क्लास लगेगी, यूएनओ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जितने भी आपके नेशनल चीजें हैं वो सारी की सारी पढ़ाऊंगा, जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सारे पढ़ाऊंगा, नेशनल पार्क, बहुत सारी चीजें सब कुछ रटा दूंगा। पेपर में टेंशन मत लो, स्टैटिक जीके कल से स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज, 1 PM से लाइव आऊंगा स्टैटिक जीके के लिए, 1 PM आज से स्टार्ट करनी थी लेकिन आज कुछ कंडीशन ऐसे हो गए जिससे स्टार्टिंग कर पाए, कल से स्टार्ट कर दूंगा स्टैटिक जीके। चलिए नेक्स्ट डिफेंस अपडेट, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछा तो जाएगा नहीं। तो आईटीबीपी सबसे पहले बन गया जिसने मैट्रिमोनियल साइट लॉन्च किया अपने आदमियों के लिए, अपने फोर्सेस के लिए, ठीक है। मैट्रिमोनियल साइट्स मतलब रिश्ते वगैरह रिलेटेड संबंधी बात कर रहे हैं, उसके हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी अनमैरिड मैन है, जितने भी अनमैरिड मैन है, ठीक है, मैन या फिर है, या फिर कोई विडो है, या फिर कोई सेपरेटेड पर्सनल है, बोथ मैन एंड वुमेन, उनके लिए एक साइट बनाई गई है, वो उस पर अपना डाटा फिल करेंगे और उनसे रिलेटेड उनकी मैरिज से संबंधित उनकी मैरिज वगैरह की जाएगी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी डिफेंस फोर्स पहली बन गई है जिसने अपनी कोई मैट्रिमोनियल साइट लॉन्च की है, तो आप बोलोगे आईटीबीपी बन गया है। इंपॉर्टेंट ये तो है, इंपॉर्टेंट ये भी है, आईटीबीपी के बारे में भी इससे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो आईटीबीपी के बारे में इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आईटीबीपी कब बनी, तो आप बोलोगे 24 अक्टूबर 1962 को बनी। ये क्या फ्रंटियर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी है, जो आपके इंडो तिब्बत बॉर्डर की रक्षा करती है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगी होगी चाइना के साथ, ठीक है, ये आपको देना। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं, अभी एट प्रेजेंट में 56 सर्विस बटालियन है किसकी, आईटीबीपी की, जिसमें से 4 तो स्पेशलिस्ट बटालियन है और 17 ट्रेनिंग सेंटर है और 7 आपके क्या हो गए, लॉजिस्टिक एस्टेब्लिशमेंट हो गए, और कम से कम 90,000 तक यहाँ पर पर्सनल है, और ये किसके कंट्रोल में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में आता है। तो इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, कब बनी थी, 24 अक्टूबर 1962, कहां पर लगी होती है, LAC मतलब तिब्बत बॉर्डर, चाइना के जितने बॉर्डर को उस पर लगी रहती है। 56 सर्विस बटालियन है, 4 स्पेशलिस्ट बटालियन है, 17 ट्रेनिंग सेंटर इसके, 7 लॉजिस्टिक एस्टेब्लिशमेंट, लॉजिस्टिक मतलब सामान को प्रदान प्रदान करने वाला, 90,000 तक पर्सनल है इसके अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कंट्रोल करती है। ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे पहले आपकी बन गई है डिफेंस जिसके अंदर कोई मैट्रिमोनियल साइट बनाई गई है, ये आपको देना। क्लियर 94 अपडेट, इज दैट क्लियर 94 डिफेंस अपडेट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 95th डिफेंस अपडेट की, तो ध्यान से देखिए 95th डिफेंस अपडेट क्या है, GRSE हैंड्स ओवर लैंडिंग क्राफ्टी
यूटिलिटी एम्फीबियस शिप टू इंडियन नेवी, ठीक है। जीआरएससी क्या है आपका, गार्डन रिज शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो क्या करता है इंडियन नेवी की जो शिप्स वगैरह उसको बनाना, उसकी मेंटेनेंस का काम वगैरह करता है, उसको बोला जाता है जीआरएससी। अभी इसने लेटेस्ट में डिलीवर किया है एलसीयू, एलसीयू मतलब लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, इंडियन नेवी को अंदर हैंडओवर किया है। ये क्या है, एक एम्फीबियस शिप है जिसका मेन क्या काम क्या होगा, लड़ाई के समय जितने भी आपके बैटल टैंक्स होंगे, आर्मर्ड के व्हीकल्स होंगे, ट्रूप्स होंगे और जो इक्विपमेंट होंगे उनको शिप टू सी शोर मतलब पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, अगर सी शोर से शिप टू शोर तक पहुंचाना उनका काम करने वाला। और ये अपने साथ में अपने आप में कम से कम एक बार में 216 पर्सनल्स को कैरी कर सकता है। इसके यदि हम लोग फीचर्स की बात करें तो ये 62.8 मीटर लंबा है, 11 मीटर चौड़ा है और इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका वजन की यदि हम लोग बात करें तो 830 टन इसका डिस्प्लेसमेंट वजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं इसकी जो स्पीड होती है, जितने भी समुद्री जहाज होते हैं उनकी स्पीड मेजर की जाती है नॉट्स में, और जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी स्पीड मेजर की जाती है मैक में, ये आपको ध्यान रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछता है। जितने भी समुद्री क्राफ्ट होंगे उनकी स्पीड मेजर की जाएगी नॉट्स, KNOTS, और जितने भी हवाई जहाज होंगे उनकी मैक में। इसके अंदर इंडिजीनियस गन्स लगी हुई है, भारत की बनी हुई दो इंडिजीनियस गन्स लगी हुई है, उन गन्स का नाम है CRN-91 गन्स, ये आपको देना। ये क्या करेंगे, फायर आर्टिलरी फायर को सपोर्ट करती है किसी भी लैंडिंग ऑपरेशन के दौरान, ये आपको देना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं LCU की बात करता हूं, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी की बात करता हूं, तो ये मल्टी रोल एक्टिविटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ डिजास्टर रिलीफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्च रेस्क्यू सप्लाई और रिप्लेसमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना। अब यदि हम लोग इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये मार्क 4 क्लास के अंदर आता है, कुछ क्लास मार्क की जाती है मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 इंडियन नेवी के अंदर, तो ये मार्क 4 क्लास के अंदर आता है, ये आपको देना। इंडियन नेवी के अंदर इसको कमीशन किया गया था 2017 के अंदर और लगभग इसके अंदर 90% जो पार्ट्स है वो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चर्ड है, भारत के अंदर ही बने हैं। और गार्डन रिच जो आपके शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, यदि हम लोग बात करें इंडिया की सबसे बड़ी लीडिंग शिपयार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कलकत्ता के अंदर है, ये इंडियन नेवी के जितने भी शिप्स वगैरह होती हैं उनको बनाना और उनकी मेंटेनेंस का काम करता है। और एक बार एक क्वेश्चन सिविल सर्विस में आया था कि जितने भी शिप्स वगैरह होती है उनको बनाना और मेंटेनेंस का काम कौन करता है, तो आप जीआरई बोलोगे। अब तक इसने कम से कम 113 वॉरशिप्स क्या करी है, मैन्युफैक्चर कर सकती है 1960 से अब तक, ये आपको ध्यान रखनी है। तो वही सारे सारे फीचर्स मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए फीचर्स कैसे कैसे हैं। ये फुल फॉर्म इसकी हो गई, ठीक है, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। एलसीयू क्या है, 7th आउट ऑफ द 8 सर्च वेसल्स बीइंग इंडियन आर्मी के पास, नेवी के पास आ गया। इसका क्या होगा, ये क्या कर सकता है, मेन बैटल टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, ट्रूप्स और साथ साथ जो इक्विपमेंट होंगे उनको शोर तक पहुंचाएगा, 216 पर्सनल्स को कैरी कर सकता है, इतनी इसकी हाइट है, इतनी इसकी विड्थ है, इतना इसका वजन होगा, इतनी इसकी स्पीड होगी, इसमें गन लगी हुई है, ये वाली गन लगी हुई है। क्या क्या रोल करेगा, मल्टी रोल एक्टिविटीज, डिजास्टर रिलीफ के अंदर, सर्च के अंदर, रेस्क्यू के अंदर, सप्लाई रिप्लेसमेंट के लिए अंदर, ये आपको ध्यान रखते हैं। मार्क 4 क्लास का है, 90% इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, 2016 में इसको लाया गया था, अब तक 103 वॉरशिप बना चुका है, कौन बना सका है, जीआरएससी बना चुका है और इंडिया के सबसे बड़े लीडिंग क्या हो गई है, शिपयार्ड लोकेटेड है, ये आपको देखना। तो ये है आपका डिफेंस अपडेट 95th, इज दैट क्लियर। ठीक है, एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, 5 मिनट के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूं। जितने भी नए लर्नर्स है प्लीज एक बार लर्नर्स फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा होगा, उस लिंक पर लिखा होगा लर्नर्स फीडबैक फॉर्म, लर्नर्स फीडबैक फॉर्म लिखा होगा, प्लीज उस पर क्लिक करिए। जिन्होंने भर चुका है वो मत भरिए, जो नहीं भरे हैं अब तक वो भरिए, जो ऑलरेडी प्लस पर पढ़ रहे हो अपने नाम के आगे प्लस लिख दे, और जो प्लस पर नहीं पढ़ रहे हो प्लीज अपने नाम के आगे नो लिख दे। प्लीज एक बार फिल कर दीजिए लर्नर्स फीडबैक फॉर्म, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से एक बार लर्नर्स फीडबैक फॉर्म जरूर फिल कर दिए, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लर्नर्स फीडबैक फॉर्म करके, प्लीज इसको फिल करिए सभी लोग, इसको फिल करिए प्लीज सभी लोग, जिसने ऑलरेडी कर रखा वो मत करिए, जिसने नहीं कर रखा वो कर दीजिए प्लीज।
ठीक है, 95 डिफेंस अपडेट हो गया, 96 डिफेंस अपडेट आपके सामने ये रहा। 96 डिफेंस अपडेट क्या करता है कि नवराम्स 19 करके अभी क्या हुआ, एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ है ऑन नेवल वेपन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस वजह से हुआ ये आपको ध्यान रखना, ये क्या होगा, इंडियन जो इंडिया का जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया डिफेंस के अंदर प्रोडक्शन को $5 मिलियन तक 2025 तक पहुंचाना उसके अंदर यहां पर होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, 5 प्लेनरी सेशंस वगैरह इसके अंदर किए गए होंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले सेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या बात की गई होगी, किस प्रकार से हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं इंडस्ट्रीज को नेवल वेपन सिस्टम को डेवलप करने में, यह आपको देखना 2030 तक इन ऑल द 3 डायमेंशनल नेमली सरफेस के अंदर, एयर के अंदर और अंडर वाटर के अंदर। तो ये इसका मेन फर्स्ट सेशन था, आपको बता सकना है। दूसरे सेशन के हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नीड्स और कंसर्न्स ऑफ द यूजर एंड इंडस्ट्री, यूजर्स की नीड क्या है और इंडस्ट्रीज के कंसर्न्स क्या है, उसको यहाँ पर मद्देनजर रखा गया होगा। दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर मीटिंग वगैरह की होगी और किस प्रकार से इंडस्ट्री ब्रिंग आउट कर सकती है रेस्पेक्टिव नीड एंड कंसर्न्स विद प्रीवेलिंग पॉलिसीज एंड इश्यूज। लेटेस्ट में जो प्रीवेलिंग पॉलिसीज और इश्यूज बने होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए जो यूजर के नीड्स और कंसर्न्स है उसको किस प्रकार से इंडस्ट्री कंप्लीट कर सकती है, ये ध्यान। थर्ड सेशन में यहाँ पर क्या बात की गई, ये फोकस करेगा नेवल वेपन सिस्टम के अंदर, इसको मॉडर्न ट्रेंड यूज करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और अपग्रेड और अपकीप पर यहाँ पर बात की गई है। फोर्थ सेशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बात किया गया गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्रेंटिव्स टू एनकरेज इंडिजिनेशन, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी को ऐसा बनाना है कि कंपनियां मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडिया में आए और इंडिजिनाइजेशन को ज्यादा बढ़े, मतलब मेक इन इनिशिएटिव ज्यादा ग्रोथ करे, ये आपको देना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ज्यादा ग्रोथ हो। फिफ्थ सेशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्डिंग ऑफ इंडिजिनियस कैपेबिलिटी थ्रू कोलेबरेटिव अप्रोच बिटवीन, ये आपको देना बिटवीन इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी। इसके अंदर क्या होगा, फिफ्थ सेशन में यह बोला गया है अगर यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन आपको बढ़ाना है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को यदि आपको बढ़ाना है तो आपको अपने यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा और साथ साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा ताकि आपका FDI ज्यादा हो सके और यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आ सके। तो ये 5 सेशन में हुआ, तो आपको देखना पेपर में कई बार पूछा जाएगा कि अभी क्या हुआ था, तो इंटरनेशनल सेमिनार हुआ है नवल वेपन के ऊपर, इसका नाम क्या है नवराम्स, इसकी फुल फॉर्म यदि हम लोग बात करें नवल वेपन सिस्टम सेमिनार हम लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, नवराम के हम लोग यदि बात करते हैं इंडिया में इसको कंडक्ट वगैरह किया गया, इससे पहले 2007, 10 और 2013 में कंडक्ट किया गया, DRDO और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको कंट्रोल करती है, ये आपको ध्यान रखना। तक 3 एडिशन हो चुके हैं, ये आपका क्या हो गया 5 सेशंस में इसका नॉर्मल यहां पर किया गया होगा। इज दैट क्लियर? चलिए 97th डिफेंस अपडेट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए 97th डिफेंस अपडेट क्या कहता है, आयरन यूनियन ट्वेल्व करके एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है किस किसके बीच में, इंडिया UAE और USA वगैरह यहाँ पर आपको, ठीक है, सॉरी इंडिया नहीं है यहाँ पर UAE, ठीक है, UAE और USA आपको देना। ठीक है, अभी आप देखते हो नॉर्मली आयरन यूनियन 12 करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जहां पर UAE USA की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, आपको ध्यान रखना आयरन यूनियन 12 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर पूछा जाएगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है UAE के बीच में और आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आपको बता रहा हूँ उसके बीच में की गई है। यहाँ पर क्या होगा, इनके मेजर जनरल रैंक के जो आदमी थे सलेह मोहम्मद सलेह अल अमीरी और साथ साथ कमांडर ऑफ US आर्मी जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल टेरी फेरल, इन्होंने नॉर्मली इसको ऑर्गेनाइज वगैरह किया, ये आपको देना। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, दोनों नेशन के बीच में कॉम्बैट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और टेक्टिकल एक्सपेरिमेंट एक्सपर्टाइज को बढ़ाने के लिए फोकस किया गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान से रखना है। क्लियर? नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं अबाउट आयरन यूनियन 12 क्या है, तो ये कुछ हफ्ते तक एक्सरसाइज वगैरह चली है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, इसके अंदर क्या किया गया होगा ये आपको ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो जितने भी आपको पता है UAE के आपका ऑयल सप्लायर है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, तो इसने क्या किया, एस्टेब्लिश किया है अपनी ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बढ़ाना। ठीक है, और स्पेशली आर्म्ड व्हीकल्स और नेवल मिलिट्री इक्विपमेंट में इसको बढ़ाना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये हेल्ड वगैरह की गई है किसके बीच में, USA और UAE के बीच में, ये आपको ताकि इन दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशन बढ़े और साथ साथ डिफेंस स्ट्रेटेजी भी इनके बीच में ज्यादा बढ़े। तो पेपर में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि आयरन यूनियन 12 करके जो एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज वो किस किस देशों के बीच में हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे UAE एंड US के बीच में हुई है, ये आपको मद्देनजर ध्यान रखने हैं। इज दैट क्लियर?
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 98 डिफेंस अपडेट को ध्यान से देखिए। चाइना और पाकिस्तान ने सिक्योर किया है सीपैक सी रूट। सीपैक सी रूट का मतलब समझते हो, सीपैक मतलब कहता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और BRI ठीक है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो ग्वादर बंदरगाह के यहाँ पर बना रहा है चाइना पाकिस्तान के अंदर ठीक है ग्वादर बंदरगाह ताकि अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर सके इंडियन नेवी के इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या गया एक सीपैक रूट बनाया गया है जिसके अंदर दोनों देशों ने चाइना और पाकिस्तान ने साइन किया है एक डील को साइन किया है कि ये लोग क्या बनाएंगे ड्रोन्स बनाएंगे और उस ड्रोन की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी मतलब वजन उठाने की क्षमता होगी 480 केजी और इसकी जो टॉप स्पीड होगी 370 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये हवा में उड़ सकता है 20 घंटे तक। अब ये किस लिए बनाया गया है ये रेस्पॉन्स दिया गया है एक चमाचा मारा गया है नॉर्मली किसको यूएस को। यूएस के पास भी ऐसा ड्रोन है उस ड्रोन का नाम है MQ-9 रीपर ड्रोन तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये आपको बनाया गया ठीक है। थोड़ा पोलाइटली बोलो ना सर पोलाइटली तो बोलो यार बच्चों और कैसे बोलो ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना क्लियर। तो ये MQ-9 रीपर ड्रोन भी यहाँ पर बनाया गया ये आपको देना। अब इसके अंदर क्या बोला गया है तो कम से कम 48 ड्रोन बनेंगे ठीक है और ये 48 ड्रोन का इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा पाकिस्तान और चाइना दोनों इसका इस्तेमाल किए जाएंगे ये आपको ध्यान रखना ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं इसको डेवलपमेंट कौन करेगा तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑफ चाइना ये डेवलप करेंगे मतलब पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की तरफ से एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑफ चाइना डेवलप करेंगी। अब यहां हम बात करते हैं ये डील की तो ये डील क्या करेगी ऑपरेट हो रही है ऑलरेडी कहां पर पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग वन ड्रोन करके पाकिस्तान ऑलरेडी एक ड्रोन चला रहा है जिसका नाम है लॉन्ग वन ड्रोन ये आपको ध्यान रखना ठीक है। और अब दूसरा होगा ये अब इस पर इंटरेस्ट भी दिखा रहा है इसको बाय करने की दिखा रहा है कौन कौन इंटरेस्ट दिखा रहा है इस पर ड्रोन पर कजाकिस्तान इंडोनेशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ये आपको ध्यान रखना ठीक है। अब नॉर्वे मैंने आपको बताया चाइना किसने बनाया है ताकि यूएस को बैलेंस किया जा सके ये आपको ध्यान रखना ठीक है। अब साथ ही साथ इसके अंदर क्या हुआ जब से आपने देखा है इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 टॉक्स हुए मतलब दो मेंबर्स उनकी तरफ से दो मेंबर हमारी तरफ से तो उसके बाद इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफी खराब हो गए लेकिन चाइना और रशिया के रिलेशंस थोड़े बड़े हैं डिफेंस के अंदर तो उसको मद्देनजर देखते हुए चाइना और रशिया चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो डोमिनेंस है पावर है उसको कम किया जा सके क्योंकि चाइना क्या यूएस क्या करता है कभी भी किसी भी देश पर सेंसर्स लगा देता है अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा देता है स्पेस जो स्पेस रेस होती है उसको ज्यादा बढ़ाता है आर्म्स रेसेस को बढ़ा देता है मतलब कंपटीशन वगैरह बढ़ा देता है ये आपको मद्देनजर रखने हैं तो ये काफी इंपोर्टेंट हो गया। और सीपैक की यदि हम लोग बात करते हैं सीपैक क्या है उससे भारत के कंसर्न्स क्या हैं तो यदि हम लोग बात करते हैं सीपैक क्या है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और साथ साथ चाइना बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है ये नॉर्मली POK से जा रहा है रीजन यहां पर क्या कर रहा है चाइना को अगर सपोज करो अपना कहां पर जाना है अफ्रीकन देशों से कॉन्टैक्ट यदि बनाना है तो उसका अफ्रीकन देशों से कॉन्टैक्ट बनाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है समुद्री रास्ता तो वो क्या कर रहा है इस BRO ठीक है जो BRI ये बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है ये रोड बनाएगा और पाकिस्तान के अंदर एक ग्वादर बंदरगाह जो पोर्ट है उसको डेवलप कर रहा है उस ग्वादर बंदरगाह एयरपोर्ट को पोर्ट को यूज करेगा पाकिस्तान ताकि अपनी पावर को बढ़ा सके समुद्र के अंदर अफ्रीकन देशों तक तो इसका अपोज कर रहा है इंडिया। इंडिया कहता है कि POK के अंदर कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीजें इस अपडेट के डिफेंस अपडेट के अंदर है जो मुझे आपको बतानी है। आप देखते हो MQI-9 रीपर ड्रोन है जो USA की तरफ से बनाया गया है इसकी स्पीड 307 किलोमीटर प्रति घंटा 20 घंटे के ऊपर उड़ सकता है 480 केजी का वजन उड़ा सकता है चाइना पाकिस्तान इसको बना रहे हैं ड्रोन मैक्सिमम स्पीड हो गई ठीक है 48 ड्रोन पाकिस्तान में बने हुए हैं ऑलरेडी चल रहा है लॉन्ग वन ड्रोन के नाम पर ठीक है इसको स्पोनिंग टेक्निक्स के नाम से भी जाना है। चाइना और रशिया के काफी रिलेशंस बढ़ रहे हैं वो चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की पावर को कम किया जा सके क्योंकि पाकिस्तान जो USA क्या करता है ट्रेड वॉर और कई बार रिपीटेड सेंशंस लगा देता है ये सब चीजें करता है। और BRO के जो कंसर्न्स की हम लोग बात करते हैं तो सीपैक मतलब ये हो गया आपका ये सारी यहाँ पर हो गई ये आपका कहाँ पर चल रहा है कश्मीर में ऑक्यूपाइड हो रहा है तो ये काफी कंसर्न्स मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं जो सारी चीजें क्लियर। चलिए नेक्स्ट डिफेंस अपडेट 99 नेक्स्ट डिफेंस अपडेट 99 क्या कहता है इंडिया और फ्रांस ने अभी पेट्रोलिंग मिशन स्टार्ट किया है इंडियन पैसिफिक ओशन रीजन में इंडियन ओशन रीजन के अंदर और इसका क्या होगा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है दोनों के बीच में उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है वरुणा नेवल एक्सरसाइज ठीक है
वरुणा नेवल एक्सरसाइज ये आपको देखना। अब नॉर्मली किस लिए की गई है ये आपको ध्यान रखना, सीधी सी बात इसलिए की गई है आपको ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा रीयूनियन होगा आइलैंड का, ये आपको देना। मतलब कुछ आइलैंड जो होंगे फ्रांस के जो आपके इंडियन ओशियन के अंदर आते हैं उनका इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल उस आइलैंड का नाम है रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड आपका इंडियन ओशन के अंदर ऐसा आइलैंड है जिसका इस्तेमाल करता है फ्रांस की नेवी इस्तेमाल करती है। अब नॉर्मली किस लिए किया गया है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, इसका साथ साथ क्या होगा दिजुबती और मायोबती नाम का जो आपके आइलैंड है जो चाइना के पास कंट्रोल में है, और साथ साथ इस रीयूनियन आइलैंड का इस्तेमाल करेगा इंडियन नेवी और ताकि दिजुबती और मायोबती नाम के जो आइलैंड है चाइना के कंट्रोल में है अफ्रीका डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको काउंटर बैलेंस किया जा सके चाइना को, क्योंकि चाइना अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है समुद्र के अंदर, तो उससे रिलेटेड ये यहाँ पर किया गया है। अभी चाइना ने भी मैंने आपको अभी लेटेस्ट बताया ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान के अंदर है, ऐसे हम्बन टोटा जो बंदरगाह श्रीलंका के अंदर जहां पर अपने बेस बनाए हैं क्योंकि वो इंडियन पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के अंदर अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। इसी प्रकार से हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैंने आपको जो देश बताए डीएससी हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश के अंदर कौन कौन आते हैं, डिजिबुती सोमालिया इथोपी ठीक है और इजिप्ट वगैरह, डिजिबुती सोमालिया इथोपिया और इजिप्ट वगैरह ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका समझते हो। इस प्रकार से अफ्रीका आपका जो देश होता है कभी ध्यान रखना, तो उसमें ये जो देश है यहाँ पर ये हॉर्न जैसा निकल होता है, यहाँ पर जितने भी देश आते हैं इनको बोलता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका DSEE डिजिबुती सोमालिया इथोपिया और इजिप्ट वगैरह। तो इसमें से अभी आप देख रहे हो डिजिबुती के अंदर जो चाइना उसने अपना बेस बना दिया है और यही कहीं पर इंडिया भी यहाँ पर मौजूद है, तो मतलब चाइना तो बिल्कुल यहाँ हो गया और यहाँ पर यहाँ पहुंचना इसका मतलब के मंसूबे ठीक नहीं है, इसका मतलब पूरा यहाँ पर डोमिनेंस बनाना चाहता है अपनी। और हम्बन टोटा ये आप देख रहे हो ये श्रीलंका में है, भैया यहाँ आने का क्या मतलब बनता है तुम्हारा, यहाँ पर आपका ग्वादर बंदरगाह हो गया पाकिस्तान में, यहाँ आने का मतलब क्या बनता है, इसका मतलब तुम इंडिया को घेरना चाहते हो समुद्र के अंदर, तो इंडिया भी घेरना चाहेगा। अभी आपने देखा उसने आइलैंड एक्सचेंज किया जापान के साथ भी आइलैंड एक्सचेंज वगैरह किए हैं, और सिमिलर वे में जापान के जब आइलैंड तो जापान का डिजिबुती में आइलैंड है तो यहाँ पर भी बनाया है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सचेंज किए हैं। और ऐसे ही यदि हम लोग बात करते हैं फ्रांस का, फ्रांस का इंडियन ओशन के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है यूनियन आइलैंड, तो ये नॉर्मली यहां पर बात की है पेट्रोलिंग यहां पर की गई है जिसका इंपोर्टेंट है ये आपको देना। तो ये काफी इंपोर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताना था, और एक्सरसाइज का नाम क्या है वरुणा नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है वरुणा नेवल एक्सरसाइज। क्लियर ठीक है, तो आज 100th ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप 105 दिन हो गए, 5 दिन हम लोग डेली 20 डिफेंस अपडेट पढ़ते हैं, आज हम लोग 100 पर पहुंच गए ठीक है, और लगभग हम लोग अगस्त तक ठीक है अगस्त तक पढ़ेंगे और अगस्त तक के सारे डिफेंस अपडेट हमारे हो जाएंगे, पेपर में कुछ भी छूटेगा नहीं हमारे पक्के आ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे अगस्त 2019 पर जब हम पहुंच जाएंगे स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद हम लोग 1 जून 2020 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट कब से किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 30 मई से 31 मई से स्टार्ट किया था ना, तो 31 मई से हम पीछे गए हैं, अब उसके हम अगस्त पर जब पहुंच जाएंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 जून से आगे करेंगे, और जब तक हमारा पेपर एंड नहीं होगा डिफेंस अपडेट को हम लोग करते रहेंगे ठीक है। तो 100 डिफेंस अपडेट आपके सामने ये रहा, तो ध्यान से देखिए ये क्या कहता है, अभी एक्सरसाइज हेल्ड हुई है 7 दिसंबर 2019 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। सर इन सब के बाद हम बुक करंट अफेयर्स की कौन सी पढ़े, बच्चे करंट अफेयर्स की बुक आप कोई भी आपको मिले जो भी आपको अच्छी लगती है ठीक है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं आपको जो भी अच्छी लगती हो राजन सिंह कोई भी बुक अच्छी लगती हो वो आप पढ़ सकते हो, जो भी आपको डिफेंस की जो भी करंट अफेयर्स की बुक अच्छी लगती है जिसकी आपकी लैंग्वेज समझ में आती है भी पेपर हो आपके डिपेंड करता है, करंट अफेयर्स आपके उस पर डिपेंड करता है आपको किससे अच्छा लगता है, और करंट अफेयर्स के लिए कहीं एक मटेरियल पर डिपेंड मत रखिए, अलग अलग मटेरियल पढ़िए, ज्यादा 2-3 मटेरियल जरूर पढ़िए। बाकी हम लोग भी करंट अफेयर्स की सीरीज लाएंगे ठीक है, हम लोग भी करंट अफेयर्स की सीरीज लाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हम लोग भी करंट अफेयर्स की सीरीज लाएंगे, साइंस एंड टेक भी लाएंगे, और कल से 1 PM पर मैंने अभी आपको बताया ना, कल 1 PM पर मैं गारंटेड 100% स्टैटिक जीके लाऊंगा, कल 1 PM पर 100% स्टैटिक जीके मैं लेकर ही आऊंगा, किसी ना किसी तरीके से मुझे लानी है तो लानी है ठीक है, कल 1 PM पर स्टैटिक जीके लाऊंगा, 5 बजे आपका साइंस एंड टेक लाऊंगा, कल डिफेंस ले लूंगा, कल 100% साइंस एंड टेक लाऊंगा, कल 100% साइंस एंड टेक लाऊंगा, ये आपका धरना ठीक है, और कल 5 बजे साइंस एंड टेक लाऊंगा और 1 बजे आपका स्टैटिक जीके लाऊंगा, और ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे 100% लाऊंगा कल, और कल आपकी प्लस पर फ्री क्लास भी है, स्पेशल क्लास भी है 11 बजे स्पेशल क्लास भी है कल आपकी ठीक है,
11 बजे स्पेशल क्लास भी है जहां पर मैं आपको कल कल पढ़ाऊंगा पूरा आपका आपका विजयनगर एम्पायर और बहामनी एम्पायर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर और बहामनी एम्पायर। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं 100, तो डिफेंस एक्सरसाइज हैंड इन हैंड करके इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ये आपको ध्यान रखना। कहां पर हुई है तो आपको उमरोई मेघालय, मैंने शायद आपको पहले भी बता दिया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या होगा, तो काउंटर टेररिज्म, किस प्रकार से टेररिज्म को काउंटर बैलेंस किया जा सके इसका मेन पर्पस ये होगा, और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ पे काम करना इसका मेन पर्पस है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हैंड इन टेन करके मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, 11 AM। तो ये सारे के सारे डिफेंस अपडेट हो गए। फिर से बताना चाह रहा हूं, जिन्होंने लर्नर्स फीडबैक फॉर्म फिल नहीं किया प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार लर्नर्स फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, उसका मिलेगा आपको लर्नर्स फीडबैक फॉर्म, प्लीज उसको फिल कर लीजिए। और आप अनअकैडमी प्लस पर कोर्स परचेज कर सकते हैं मेरा वीकेपी लाइव लगाकर कोड, क्योंकि आपका कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं 10 जून से, आपको शो होना शुरू हो जाएगा, या तो कल से शो शुरू होना शुरू हो जाएगा या फिर आपको 10 जून से शो होगा शो, ठीक है, शो आपको ये क्लियर। हाँ, 11 बजे प्लस पर, 1 PM और 5 PM यूट्यूब पर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। 10 जून या फिर 9 जून को आपको वो कोर्स दिखना शुरू हो जाएगा, आप उसको एनरोल कर लेना, और भी बच्चे उस कोर्स में फटाफट एनरोल करिए, क्योंकि अभी मौका आ गया, 6 महीने के अंदर 7 वैकेंसी आने वाली है, फटाफट कोर्स परचेज करिए, एनरोल करिए जो भी आपको करना है, और मेरा कोड वीकेपी लाइव लगा सकते हैं और फटाफट करिए, ठीक है। तो चलिए आज के डिफेंस अपडेट को यहीं खत्म करते हैं, थे तो बहुत सारे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को, मेरा टेलीग्राम चैनल है विक्रांत, मेरा टेलीग्राम चैनल है विक्रांत एस पुंडीर डिफेंस कोर्स, ठीक है, विक्रांत एस पुंडीर डिफेंस कोर्स करके मेरा नया टेलीग्राम चैनल है, प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। और 10 जून से मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, फटाफट आकर ज्वाइन करिए इसको, क्योंकि अभी वैकेंसीज आने वाली है। वीकेपी लाइव कोड लगाइए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहिए, ठीक है बच्चे। कल मिलेंगे बहुत 3 लगातार सेशन के साथ, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्लस पर, एक से लगभग 1.5 घंटा 2:30 बजे तक आपका यूट्यूब पर, फिर उसके बाद 5 से फिर 1.5 घंटा फिर से आपका यूट्यूब पर, ठीक है। तो कल काफी बिजी रहने वाला है, लगभग हम लोग 3-5 घंटे पढ़ने वाले हैं। अंशुल जंगरा सर एक डाउट है भैया, तुम्हारे डाउट ही बहुत रहते हैं, पूछो पूछो जल्दी। एनडीए वालों को भी क्या डिफेंस अपडेट 18 महीने का पढ़ना पड़ेगा? नहीं, कम से कम एक साल का। भैया मैंने देखो, एक साल का तो सबको पढ़ना ही पड़ता है, मैंने 18 महीने का इसलिए बोल दिया, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। कल को पेपर में सपोज करो एक साल वाले से क्वेश्चन में ना आए पेपर में, फिर क्या करोगे? तो कम से कम 18 महीने मैंने आपको सेफ रहने के लिए बताया है। अगर तुम 18 महीने का डिफेंस अपडेट करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो तो, नहीं आज नहीं है, अगर आप क्या पढ़ लेते हो 18 महीने का डिफेंस पढ़, वो करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, तो तुम्हें क्या होगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो तुम अगर सोच के होगे मैं एक साल का पढ़ूंगा, भैया 18 महीने का कहां से पढ़ेगा, मत पढ़ो, तुम मेहनत नहीं करना चाहते तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा तुम्हें, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम कैसी मेहनत करना चाहते हो। ठीक है बच्चे, चलो फिर कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। प्लीज लर्नर्स फीडबैक फॉर्म प्लीज फिल कर दीजिए सभी लोग, लर्नर्स फीडबैक फॉर्म डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक मिलेगा, प्लीज उसको फिल कर दीजिए, रिक्वेस्ट है सभी से।